Now continue it. Quantity, electric charge is a scalar quantity. Unit, SI unit of charge, coulomb, denoted by capital C. Other unit of charge, state coulomb, yeah, ESU, electrostatic unit of charge. Absolute coulomb or EMU, electromagnetic unit. One coulomb, 3.0 into 10 to the power 9 state coulomb. One coulomb, 1 by 10 absolute coulomb. If we compare all, we conclude absolute coulomb larger than coulomb and state coulomb smallest. Important points related to charge. There are two types of electric charge, positive and negative. Like charge repel each other. Unlike charge attract each other. It means plus plus, repulsion. Minus minus, repulsion. Plus minus, attraction. Minus plus, attraction. An atom is electrically neutral because total positive charge is equal to total negative charge. But an atom can be charged. How an atom can be charged? Due to transfer of electron. A body get positive charge when electrons are removed from it, and get negative charge if electrons are added to it. Electric charge is always associated with mass, while mass cannot exist without charge. It is the main difference. Both mass and charge are fundamental quantity, but charge cannot exist without mass. Mass can exist without charge. Now, again, understand in simple manner for our weak students. देखो, हमारे पास दो टर्म है, electrostatics और static electricity, और current, electric current या current electricity. Static means rest. Static, rest, विराम, रुका हुआ. Electricity, what comes for charge. तो charge in a state of rest. If we study about charge, supposing it is in a state of rest. Charge क्या है? रुका हुआ है, विराम में है. तो उस स्थिति में अगर हम पढ़े तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? Electrostatic. If charge in a state of motion, it is called current electricity. Motion means, current means प्रवाह, continuous flow. अगर पानी का लगातार flow हो रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? Flow, current, water current. अगर कोई सर आके लगातार पढ़ाते चले जाए, हिंदी वाले तुम लोग क्या कहते हैं? सर धारा प्रवाह बोल रहा है. प्रवाह माने current. तो अगर चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. और चार्ज का फ्लो हो लेकिन चार्ज एक्सीलेटेड हो, एक्सीलेटेड चेंज इन वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी या डिक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, वैरी करे, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट मींस आप क्या देख रहे हैं कि ये तीन महत्वपूर्ण ब्रांच ऑल आर रिलेटेड फ्रॉम चार्ज. चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. चार्ज इन स्टेट ऑफ मोशन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. चार्ज इन स्टेट ऑफ एक्सीलेटेड एक्सीलेशन, माने चार्ज हैव एन एक्सीलेशन, एक्सीलेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, देन इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इसका मतलब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या? चार्ज. ऑल दीज ब्रांचेज देर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th एंड All are related from charge. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाटी चार्ज क्या है. चार्ज क्या है? कुछ नहीं है. चार्ज इज नथिंग, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. हम सब जानते हैं कोई भी एटम किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन. उनके मास के कारण उनके बीच क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को कुछ दूरी पर रखा जाए तो उनके मास के कारण उनमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. बट हम देखते क्या है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज वेरी 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 लार्ज, महासंग टाइम लार्ज, उससे भी बड़ा लार्ज. देन ए क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एक्स्ट्रा फोर्स? बिना सोर्स के फोर्स नहीं है.
आपके पास पॉकेट में पैसा आया कहां से आया? पापा का पॉकेट मारेगी कहीं से लिए? मैंने बड़ी तो सोच, कहीं भी अगर एक फोर्स है तो उसका एक सोर्स हो। फोर्स होने के लिए दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, एक जिस पर फोर्स लगे और दूसरा लगाए। अगर दुनिया में एक ऑब्जेक्ट होता तो फोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती। तो हर एक फोर्स का सोर्स चाहिए, हर एक पैसे का सोर्स चाहिए, हर एक इनकम का सोर्स चाहिए। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस फोर्स? इट मींस ऑब्जेक्ट मस्ट हैव एन एडिशनल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट देयर मास व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्स्ट्रा फोर्स। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक और प्रॉपर्टी जरूर है जिसके कारण वो एक्स्ट्रा फोर्स आया। दिस एडिशनल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। इट मींस जिस तरह कहीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मास के कारण लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके कारण लगता है? चार्ज के कारण लगता है। तो आप सीधे कह सकते हैं चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के अंदर एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन है, उनके मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनके इलेक्ट्रिक फोर्स का जो सोर्स है उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। तो वही हमने बात लिखा है कि ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम व्हिच इज अगेन फर्दर मेड ऑफ थ्री पार्टिकल्स, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। भूलेंगे नहीं, इसलिए रखिए आप PEN, पी प्रोटोन, ई इलेक्ट्रॉन, एन न्यूट्रॉन। पी कॉम्स फॉर प्रोटोन, ई कॉम्स फॉर इलेक्ट्रॉन, एन कॉम्स फॉर न्यूट्रॉन। ड्यू टू देयर मासेस दिस एग्जर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, बट इन एडिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन हैव एक्स्ट्रा फोर्स विच इज क्वाइट वेरी 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 लार्ज, 10^36 टाइम्स। इट इज द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। तो हु इज द फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स? फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज, हमने लिखा फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, देयरफॉर न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, प्रबल बल। इसी एडिशनल प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। अब आइए चार्ज का यूनिट। तो चार्ज का यूनिट SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कूलम, CGS यूनिट या एयरस्टेट कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एब्सोल्यूट कूलम और एब्सोल्यूट 1 कूलम, 3.0×10^9 एयरस्टेट कूलम, 1 कूलम 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। इसका मतलब 10 कूलम मेक्स 1 एब्सोल्यूट कूलम, इट मींस एब्सोल्यूट कूलम इज हैविंग लार्जर मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट कूलम सबसे बड़ा, उसके बाद कूलम, उसके बाद एयरस्टेट कूलम। अब ये सब हम लोग 9th क्लास में जानते हैं। दो प्रकार के चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह जैसे एक जंगल में दो बाघ नहीं रहते हैं, बाघ बाघ होगा तो झगड़ा होगा, हाँ, अब बाघ और हिरन हो तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा, एकदम दौड़ के भाग, आओ जा आ जा आ जा, हाँ। तो इस तरह लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे तो एटम न्यूट्रल है, बट ये चार्ज हो सकता है कैसे? ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाए। इलेक्ट्रॉन कैरी निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो निगेटिव भी चार्ज हो गया, लूज कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, नहीं तो आप क्या है? न्यूट्रल है। ये बेसिक बातें हैं। अब इसके बाद हम लोग 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, एडिटिव नेचर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, देन हम अपने सिलेबस पे आएंगे। कहां? इलेक्ट्रिक करंट। आप याद रखिए ये फर्स्ट वीडियो है, मे बी इसमें त्रुटि हो सकती है। हम पहले भी अपने क्लास में कहते हैं फिजिक्स के लिए किसी ट्यूशन के लिए किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। MPS और हम फिजिक्स टीचर आपके सारे प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल सब सॉल्व करेंगे। अगर आप घर में बैठे हैं आफ्टर 14th अप्रैल, इफ पॉसिबल न्यूमेरिकल्स बनाने वाले, एक TMH की न्यूमेरिकल बुक खरीदें। ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, ऑल फिजिक्स प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मी एंड आवर टीम, ईश्वर मिश्रा सर एंड रेस्पेक्टेड अलका मैम।